हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले? हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोग्राम। और आपकी एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है? बार विद अ डिफरेंस। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर के हिस्टोग्राम को, ठीक है? तो हिस्टोग्राम क्या होता है, इसको समझने के लिए आप हमेशा हमेशा एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना कि जब भी कभी आपको हिस्टोग्राम सुनने को मिलेगा, क्या कह रहा हूं, जब भी कभी आपको हिस्टोग्राम सुनने को मिलेगा तो वहां पे आप हमेशा एक चीज देखोगे, वो क्या है प्यारे बच्चों? वो क्या है? क्लास। क्या है? क्लास इंटरवल। देखो प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये हिस्टोग्राम से रिलेटेड है और यहां पे हम लोग सारे बेसिक्स कवर कर चुके होंगे, जो कि हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग कवर कर चुके हैं, जैसे रॉ डेटा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, क्लास इंटरवल क्या होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, ग्रुपिंग डेटा क्या होता है। तो अगर आपको वो सारी चीजें पता है तब आप इस वीडियो को देखेगा, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर नहीं पता तो उन वीडियोस को देख के आओ, तभी आपको ये सब क्लियर होगा, ठीक है? तो जैसे बार क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है, उसमें क्या 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 चीजें होती है जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए, ठीक है? तो वो सारी चीजें मैंने वहां पे अच्छे से बताई है पिछली वीडियोस में, ठीक है? तो अब देखते हैं भाई साहब हिस्टोग्राम क्या होता है। मैंने कहा आपसे क्या कि सिर्फ एक चीज याद रखना कि जब भी हिस्टोग्राम शब्द सुनने को ही मिलेगा, क्या बनेगा? सुनने को ही मिलेगा, तो वहां पर क्लास इंटरवल शब्द आएगा ही आएगा। मतलब वहां पर क्लास इंटरवल आपको देखने को जरूर मिल जाएगा, ठीक है? अब देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो चलिए मैं अपनी बुक अपने पास रखा हूं, ठीक है? ठीक है, तो आप भी अपनी बुक अपने पास रख लीजिए और पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं, पेज नंबर 74 पे ये टॉपिक वहां पे दिया गया है, उसी टॉपिक को हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहली चीज तो आप देख सकते होंगे कि ये कुछ यहां पे ये चीज, ये कोई टेबल दी गई है वहां पे ये चीज कुछ बना के दिया गया है और कुछ चीजें वहां पे लिखी हुई है और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है? तो उसको समझते हुए हम लोग यहां पे चलते हैं, देखते हैं क्या चीज है। तो प्यारे बच्चों, ये जो टेबल है ना, इस टेबल को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, बट इसी चीज का हम लोग यहां पे यूज करेंगे। कहां पे पढ़ा था यही बता देते हैं हम लोग। देखो इसी में ही लिखा हुआ है, बताया गया है कि टेबल 5.4, तो हम यहां पे लिखा हुआ है लाइन, देखो क्या लिखा है, लेट अस अगेन कंसीडर द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 60 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेक्स्ट टेबल 5.4, ठीक है? तो ये जो 5.4 हमें मिला है, दिस इज डिस्प्लेड इन अ ग्राफ इन अ एडजॉइनिंग फिगर ऑफ 5.1। तो 5.1 में ही हम लोग इस चीज को देख चुके थे, जो फिगर था आई थिंक, तो ग्रुपिंग डेटा में हम लोग ने इसे पढ़ के रखा था। हाँ, ग्रुपिंग डेटा में आप देख सकते हो 73 पेज नंबर उसी के ऊपर, ठीक है? तो उसमें देख सकते हो ये चीज आपको दिया गया है। तो कुछ नहीं, हम लोग इसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों, बस आपको अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको अच्छे से समझाते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप हमेशा ये चीज याद रखना कि पहले हम लोग बार ग्राफ, क्या बोल रहा हूँ, बार ग्राफ में हम लोग क्या पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, क्या बनता था बार ग्राफ, क्या था प्यारे बच्चों? कुछ इस तरीके का बार ग्राफ था। बार ग्राफ क्या होता था, कुछ यहाँ पे कुछ वैल्यूज होती थी, हाँ कि ना? और फिर क्या होता था, ये कुछ एक बार ग्राफ बनता था, फिर डिफरेंस होता था कुछ, हाँ कि ना? डिफरेंस होता था, फिर हम लोग एक बार ग्राफ बनाते थे, फिर ऐसे कुछ गैप देते थे, इक्वल गैप देते थे, जितना गैप इधर रहेगा उतना गैप इधर ही रहेगा, हाँ कि ना? ये और ये वेथ क्या होती थी, ये मोटाई क्या होती थी, सबकी सेम होती थी, हाँ कि ना? तो ये चीज हम लोग देखें, ये चीज हमें पता है, ठीक है? बट यहां पे आपको देखने को क्या मिलेगा, ये जो गैप है दोनों के बार्स के बीच में जो गैप है, ये जो गैप देख रहे हो प्यारे बच्चों, ये जो गैप देख रहे हो, गैप ये गायब हो जाएगा। ये क्या होगा, गायब हो जाएगा, ये हट जाएगा, यहां पे आपको ये चीज देखने को ही नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों? तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन आप लिख सकते हो, क्या क्या लिख सकते हो यहां पे, रीजन लिखोगे, देयर इज नो गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल। तो यहां पे लिखोगे नो गैप बिटवीन क्या, क्लास इंटरवल, कोई गैप नहीं होता है क्लास इंटरवल में। इसे अब ये क्या होता है, क्या गैप, क्या क्या गैप, क्या बता रहे हो सही? अगर आपको नहीं पता तो मैं बताऊंगा, अभी टेंशन ना लो, ठीक है? गैप क्या होता है, बस आपको थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, ठीक है? अब चलिए हम नो गैप की बात कर लेते हैं, यहां पर ये क्या कह रहा है, ठीक है? तो अब अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हिस्टोग्राम क्या होता है, तो ध्यान से समझो। कुछ नहीं प्यारे बच्चों, ये जो आप देख रहे हो ना, इसको मैं रब कर, अच्छा रहने देता हूं, ये जो आप देख रहे हो ये तो बार ग्राफ हो गया, क्योंकि ये सिंगल 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 ऐसे से बनता है। बट ये देखो प्यारे बच्चों, जब ये बार बार क्या होंगे, चिपक जाएंगे, पर चिपक जाएंगे एक दूसरे से,
तो ये फॉर्म करने लगते हैं, क्या हिस्टोग्राम फॉर्म करने लगते हैं। तो आप देख सकते हो यहां पे देखो एक ये छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बाहर है, इधर देख रहे हो, इधर देख रहे हो, इधर देख रहे हो, इधर देख रहे हो, और ये देखो नन्ना सा छोटा सा है। तो ये सब क्या है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो ये जो फॉर्म कर रहे हैं, ये जो ग्राफ बन रहा है, ये कुछ और नहीं, ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम में क्या होता है, बार्स चिपक जाते हैं एक दूसरे से, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, नो गैप, कोई भी गैप नहीं होता है। ठीक है, क्लास इंटरवल में, ठीक है, तो ये क्या होता है क्लास इंटरवल, क्या बता रहे हो सर जी? ठीक है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं, समझते हैं। ठीक, तो इतना समझ में आया कि इतना बस समझ लो कि इस तरीके के हम लोग ग्राफ को हम लोग क्या करते हैं, बार कह रहे हैं, हम लोग हिस्टोग्राम कहते हैं। ये भी बार ग्राफ ही होता है, बट ये थोड़ा अलग तरीके का बार ग्राफ है। ठीक, अब भाई साहब एक नो गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल क्या है, ये समझते हैं क्या है, नो गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल। अभी ये नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, ये क्या बता दे रहे हो सर जी आप? ठीक है, टेंशन ना लो, अभी इसको छोड़ ही देते हैं, आपको अच्छे समझाते हैं, आपकी बुक से रिलेटेड समझाते हैं क्या क्या चीजें। तो यहां पे प्यारे बच्चों ये जो था, ये वाली अपनी बुक देखो क्या है, ये वाली जो लाइन है वो बता रही है नंबर ऑफ स्टूडेंट को, जैसे 2 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और 32 ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें बता रही है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको याद होगा बार ग्राफ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो हाइट होती है, हाइट बताती है क्या, फ्रीक्वेंसी को, क्या बताती है, फ्रीक्वेंसी को बताती है। और याद रखना इनके जो बीच का जो वेथ होता है, वेथ हमेशा सेम रहेगा, ये नहीं कि कोई मोटा तो कोई पतला तो कोई बहुत मोटा तो कोई बहुत पतला, तो ऐसा नहीं, सबको यूनिफॉर्म। आप क्या करोगे, एक स्पेसिफिक ही क्या करना है आपको, गैप ले लेके चलना है। ठीक है, चलो अब भाई साहब यहां पे समझते हैं, ये जो लिखा हुआ है, हम लोग क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस, ये नीचू वाली एक्सेस को, ये एक्स एक्सेस जो है, ये जो एक्स एक्सेस है इसे एक्स एक्सेस कहते हैं, और ये ऊपर वाली, ये वाली को हम लोग वाई एक्सेस कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये वाली एक्सेस क्या होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, और क्लास इंटरवल जो होता है हिस्टोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली यहां पे हम लोग लिखते हैं। अब ये क्लास इंटरवल क्या है सर जी, बार बार यूज करो पर बता नहीं रहो, ठीक है, तो टेंशन ना लो, इसको भी हम लोग बताएंगे, हॉरिजॉन्टल पे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये कह क्या रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये जो चीज है इसी चीज को मैंने पूरा यहां पे रिप्रेजेंट किया है। ये जो डेटा है, यहां पे जो डेटा दिया गया है, ये जो डेटा यहां पे दिया गया है, डेटा क्या है ये आपको समझ में आ रहा होगा उन्हीं बच्चों को जिन लोगों ने ग्रुपिंग डेटा पढ़ के रखा है, ये जो ग्रुप करके मैंने यहां पे लिखा हुआ है। अब देखो कह रहा है 0 से लेके 10, जो 0 से लेके क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे है, और मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट है। तो यहां पे कह रहे हैं 0 से लेके 10 जो मार्क्स हैं, कितने बच्चों ने गेन किए हैं, 2 लोगों ने, मतलब वो 5 भी हो सकते हैं, 6 7 8 9 भी मार्क्स हो सकते हैं, बट कितने लोगों ने 0 से लेके 10 तक मार्क्स ऑब्टेन किए, तो ये बता रहा है 2 लोगों ने। इसी तरीके से आप देख रहे हो ना, जहां पे ये 10 खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट हो गया, कोई गैप नहीं है, वहीं से स्टार्ट हो गया 10 से, मतलब 10 से स्टार्ट हुआ फिर 20, फिर से 20 से ही स्टार्ट हो रहा है, फिर एंड हुआ 30, फिर 30 से ही स्टार्ट हो रहा है, फिर हुआ क्या हमारे पास 40, फिर 40 से ही स्टार्ट हो रहा है, फिर क्या हुआ एंड का हुआ 50, 50 से ही स्टार्ट हो रहा है, फिर एंड हुआ अपना 60। ठीक है, तो जैसे मैं मान लेता हूं कोई गाड़ी है, गाड़ी को आपने चलाया करके 0 से आप क्या गए 10 तक गए, अरे बस मजाक ले रहे हैं, ठीक है इसको उस तरीके से मत समझ लेना। ठीक है, 10 तक गए, ठीक है 10 पे रुके, बट आपकी स्पीड वही है मान रहे, ठीक है, ठीक है, फिर क्या हुआ आप क्या गए 10 से ही स्टार्ट किया 20 पे पहुंचे, फिर 20 ही स्पीड थी आपकी 20 से 30, अरे क्या बता रहे हो जी क्या। तो मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी गैप नहीं दे रहे हो आप, स्टार्टिंग पॉइंट्स पे और एंडिंग पॉइंट में कोई गैप नहीं है, जो जहां से रुके थे वहीं से स्टार्ट करते। मुझे लगता है बहुत गंदा एग्जांपल था, ठीक है टेंशन ना लो, कैसे दिखाते हैं, देखो यहां पे देखो यही ये जो है 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 50 50 से 60, ये क्या है क्लास इंटरवल, यही क्या है पर कुछ क्लास इंटरवल। तो देख सकते हो अब नो गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल की ही वजह से यहां पे कोई गैप नहीं होता। अब देखो समझो क्या, देखो ये 0 था, स्टार्ट हुआ 0 से, एंड हुआ अपना
क्या 10 पे। अब क्या हो रहा है 10 क्या हुआ, एंडिंग पॉइंट है, एंड हुआ है वहां पे। अब स्टार्ट अगर मैं 11 से कर देता तो एक का डिफरेंस हो जाता, बट यहां पे क्या हुआ प्यारे बच्चों, स्टार्ट मैंने कर दिया फिर से 10 से और फिर एंड किया मैंने 20 पे। तो यहां पे देख सकते हो एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट पे आप देख सकते हो यहां पे क्या है, कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस है, हाँ कि ना, कोई डिफरेंस है ना मुन्ना? ना, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आप देख सकते हो यहां और यहां के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो 0 से लेके 10 और फिर 10 से ले 0 से लेके 10 और 10 से लेके 20, तो यहां पे जो हमारा वो बार्स बनेंगे उसके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। जैसे कि मैं कहूं कि 0 से लेके 10, अब दिखा देते हैं यहां पे अच्छे से, देखो अब यहां पे देखो, अब इसी चीज को मैं समझाता हूं गैप वाला, ठीक है। अधिकतर बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती इसलिए बता रहे हैं। अब यहां पे मैं मान लेता हूं ये जो पॉइंट था ये हमारा 0 था, तो ये देखो 0 से लेके 10, 0 से लेके 10 जो मार्क्स थे, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट वो कितना था 2, तो ये प्यारे बच्चों हमारे कितने थे 2 मार्क्स थे। अब यही 10 से स्टार्ट किया 20 से, तो हमें यही 10 से ही तो बनाना पड़ेगा ना बार ग्राफ बार, ठीक है। तो यहां से 10 से लेके 20 थे कितने लोगों ने मार्क्स ऑब्टेन किया है, 10 लोगों ने, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब 20 मार्क्स से 30 मार्क्स के बीच में कितने लोगों ने लिया है, वो कितना है 21 लोगों ने, 30 से 40 19 ने, 40 से 50 7 लोगों ने, 50 से 60 मार्क्स कितने लोगों ने, 1 लोगों ने ही सिर्फ लिया है, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। और एक चीज और यहां पे होती थी क्या प्यारे बच्चों, वो मैं बताता हूं, वो क्या है, जब भी यहां पे ये चीज आपको पता होगी, मैंने बहुत बार बताया है इस चीज को, वो क्या है, जैसे कि कहा जा रहा है 0 से लेके 10 मार्क्स, 0 से लेके 10 मार्क्स अगर कहे जा रहे हैं तो मार्क्स क्या होंगे, या तो 0 होंगे आपके, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, 9 होंगे, 10 होंगे, इस वाले केस में 0 से लेके 10। तो याद रखना जो लास्ट वाली जो होती है वैल्यू, जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो इस वाले क्लास इंटरवल में काउंट नहीं होती है, लास्ट वाली वैल्यू, लास्ट वाली, ये वाली जो लास्ट वैल्यू होती है वो इसमें काउंट होती है, इस वाले में काउंट होती है, ठीक है, इस वाले में काउंट होती है। ये क्या मैं बता रहा हूं, ये सारी चीजें जिन लोगों ने पिछली वीडियोस देख के रखी उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा क्या क्या चीजें मैं बता रहा हूं, क्या इंक्लूड होता है क्या नहीं होता है, क्या बता रहे हो जी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर यहां पे 0 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, तो कहा जा रहा है 0 से लेके 10 मार्क्स कितने लोगों ने ऑब्टेन किए हैं, तो मैं मान लेता हूं ये मार्क्स ऑब्टेन अगर किए हैं तो क्या है, तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 लोगों ने किया है, बट ये जो 10वां है 10 ये इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, वो इंक्लूड करेंगे 10 से 20 में, और 20 वाले में क्या करेंगे, जो 20 वाला होगा ये 20 यहां पे इंक्लूड नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे 20 से 30 वाले में इंक्लूड करेंगे, 20 से 30 वाले इंक्लूड करेंगे। जो अपर लिमिट होती है, ये अपर है, ये लोअर है, ये लोअर है, ये अपर है, तो अपर जो होती है, अपर अपर उसको हम लोग क्या कहते हैं, नहीं लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं इसमें। तो मैंने थोड़ा थोड़ा चीज थी जो मैंने बताने की कोशिश की आपको, जो कि इंपॉर्टेंट थी। तो मुझे लगता है अब नो गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल का मतलब समझ में आया होगा, क्योंकि 0 से लेके 10, देखो 0 से लेके 10, फिर स्टार्ट कर दिया 10 से लेके 20, फिर से स्टार्ट कर दिया 20 से लेके 30, फिर स्टार्ट कर दिया मैंने 30 से लेके 40, फिर स्टार्ट किया 40 से लेके 50, फिर स्टार्ट किया 50 से लेके 60। तो देख रहे हो जहां से हम लोग एंड कर रहे हैं वहीं से स्टार्ट कर दे रहे हैं, फिर हाँ कि ना, फिर जहां से एंड कर रहे हैं वहीं से स्टार्ट कर दे, जहां से एंड कर रहे हैं वहीं से स्टार्ट कर दे रहे, फिर जहां से एंड कर रहे हैं वहीं से स्टार्ट, जहां से एंड वहीं से स्टार्ट। तो एंडिंग और स्टार्टिंग देख रहे हो ना, हाँ कि ना, दोनों सेम है। तो यहां पे देख सकते हो आप क्लास इंटरवल के बीच में देख रहे हो ना, कोई भी गैप नहीं है, ठीक है। गैप होता तभी हमारा क्या होता, इन बार्स के बीच में गैप होते। तो यहां पे ये जो गैप का केस था ये आप में, इसीलिए यही चीज यहां पे कही गई, क्या कही गई, यहां से यहां पे देखो, यहां पे लिखा है ऑल्सो देयर इज नो गैप बिटवीन द बार्स एज देयर इज नो गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल। यही लोग बताना भूल जाते हैं, बच्चों को बताते भी नहीं, ठीक है। तो यहां पर यह चीज हमेशा याद रखना कि गैप बार्स के बीच में जो गैप होता है वो नहीं है यहां पे, क्यों, क्योंकि क्लास इंटरवल के बीच में कोई गैप नहीं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो चीज आपके में पूछी गई है। तो प्यारे बच्चों यहां पे एक चीज पूछा गया, इज दिस ग्राफ डिफरेंट फ्रॉम द बार ग्राफ, तो ये जो ग्राफ बना है ये क्या हिस्टोग्राम है, हाँ कि ना, हिस्टोग्राम है,
हाँ कि ना, हिस्टोग्राम में क्या होता है, क्लास इंटरवल में कोई गैप नहीं होता, बार्स क्या होते हैं, चिपके चिपके होते हैं, ऑब्वियस ही बात है क्लास इंटरवल होता है। तो ये क्या बार ग्राफ से, बार ग्राफ से डिफरेंट है? तो आप क्या कहोगे, हाँ भाई साहब बार ग्राफ से तो डिफरेंट है, तो इसका आंसर होगा यस। अब आप यस का एग्जाम मतलब दे सकते हो, क्यों? क्योंकि बार ग्राफ में क्या होता है, डिफरेंस होता है बिटवीन द बार्स होता है, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है? बट इसमें तो है ही नहीं, ठीक, तो डिफरेंट तो है भाई साहब, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट है ये, ठीक है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, पॉइंट है, अच्छा खासा। कह रहा है हेयर, यहाँ पे देखो, हेयर वी हैव रिप्रेजेंटेड द ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसे हम कह रहे हैं क्लास इंटरवल ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो प्यारे बच्चों ये 0 से 10, 10 से 20, ये जो देख रहा ना 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, तो ये यही है, यही पे लिखे हैं क्लास इंटरवल, यही है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, तो ये क्या है हमारा क्लास इंटरवल। तो ये देखो यहाँ पे मैं लिखा हुआ था, अब समझ में आ रहा होगा आपका कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे, ये हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल एक्सेस हम लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये क्या देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास इंटरवल को, या फिर कैसे ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है हमारा, वो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो अब मुझे लगता है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब कह रहा है क्या यहाँ पे, देखो अब यही चीज बोल दी गई है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इन दिस मैनर, इस मैनर में, इन डेटा को इस मैनर में ही दिखाना, इसे कहते हैं कॉल्ड हिस्टोग्राम, इसी को कहते हैं क्या, हिस्टोग्राम कहते हैं। बट यही पेंड नहीं होता, इसका और भी अच्छी चीजें हैं जो आपको बतानी जरूरी है, तो उसको हम लोग बताते हैं, देखते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक आप खोल लीजिए, उसमें थोड़ी बहुत और चीजें एक्स्ट्रा आपको बताई गई है। तो ये हो गया हमारा पेज नंबर 74 हो गया है, इसमें क्या क्या चीजें कही गई, जो 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 चीजें मैंने अभी अभी बताई है वही चीजें यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, कह रहा है क्या, स्टार्ट करें, कह रहे हैं इन, देखो, इज दिस ग्राफ इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम द बार ग्राफ विच यू हैव ड्रॉन इन क्लास सेवेंथ। तो क्या सेवेंथ में जो पढ़ा था बार ग्राफ, उससे तो डिफरेंट है ही, हाँ कि ना, यस। फिर कह रहा है ऑब्जर्व दैट हेयर वी हैव रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्लास इंटरवल, तो यही चीज जो मैंने यहाँ पे लिखी थी वही चीज है यहाँ पे। फिर कह रहा है ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस हाइट ऑफ द बार शोज द फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है क्या मैंने, हाइट ऑफ द बार शोज द फ्रीक्वेंसी, हाँ ये देख सकते हो, ये देख सकते हैं पहले बच्चों हमने लिखा है क्या, द हाइट ऑफ द बार शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल। तो ये चीज तो हम लोगों ने बहुत पहले से ही पढ़ चुके हैं कि ये जो हाइट होती है पहले बच्चों, ये हाइट जो होती है, हाइट जो होती है, हाइट जो होती है, हाइट जो होती है, हाइट, ये फ्रीक्वेंसी को बताती है। फ्रीक्वेंसी क्या, नंबर ऑफ अकरेंस को बताती है, कितने लोग। तो यहां पर बताओ जीरो से लेकर दस मार्क्स का लेने वाले कितने लोग थे, कितने लोग थे, दो लोग। फिर यहां पे बताया 10 से 20 मार्क्स लेने वाले कितने लोग थे, कितने लोग थे, 10 लोग, तो 10 को बताया इसने फ्रीक्वेंसी, इसने 21 को, इसने 19, इसने 7, इसने 1 को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर कह रहा है क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल, हाँ फ्रीक्वेंसी किसकी, ये तो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की बताती है, क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी भाई साहब बताती है, समझ में आ रहा है। चलो कौन बताती है, हाइट, हाइट ऑफ द हिस्टोग्राम शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी बताता है कौन, हिस्टोग्राम, ठीक। चलो हिस्टोग्राम तो बताता है मतलब क्या, हाइट, हाइट, हाइट बताती है, बार की हाइट। चलो फिर कह रहा है ऑल्सो देर इज नो गैप बिटवीन द बार एज देर इज नो गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल, तो ये चीज तो मैं बता ही चुका हूं, ऐसा क्यों होता है, देर इज नो गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल, ये ठीक है। तो मैंने अच्छे से बताया था क्यों नहीं होता है, क्यों डिफरेंस जीरो होता है, मतलब गैप जीरो क्यों होता है, क्योंकि क्लास इंटरवल क्या होता है, उनके बीच में क्या होता है, क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास इंटरवल में गैप जीरो होता है, ठीक है, नो गैप होता है। फिर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इन दिस मैनर इज कॉल्ड हिस्टोग्राम, सही बात है लिखा हुआ। फिर द फॉलोइंग ग्राफ इज एन इज अनदर हिस्टोग्राम, अब देखो यहां पे छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक छोटा सा ग्राफ बनाया गया है और उसमें कुछ बताने की कोशिश की गई है, क्या किया जा गया है, कुछ कोशिश की गई है, उसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से बनाते हैं, इसको रब करने जा रहा है, पूरा रब कर दे रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बताते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों, ठीक है, अच्छे से बताएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब भाई साहब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो छोटी सी चीज है, हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है हिस्टोग्राम में, हमने बस एक ही चीज देखी, क्या हिस्टोग्राम में हमें क्लास इंटरवल देखने को मिलता है, और क्लास इंटरवल क्या बताता है, हमें फ्रीक्वेंसी बताती है, और हिस्टोग्राम क्या क्या होता है वो तो मैं, और नो गैप वाला सिस्टम पढ़ा, और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक नन्ना सा मुन्ना सा ग्राफ बनाया है, क्या बनाया है, कुछ इस तरीके से है, हाँ कि ना, और फिर बीच में क्या है, फिर बीच में क्या कर दिए, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर दिए, हाँ कि ना, हाँ नहीं, पहले ऊपर ले गए,
ठीक है, क्या किए ऊपर लेके गए, आ ऐसे किया, फिर यू लेके चले गए। ध्यान से देखो ना, आप अपने ग्राफ में देखो, ठीक है, अगर नहीं देख रहे तो हम तो बना तो रहे। तो फिर क्या हो गया, यहां पे 20 से स्टार्ट किया भाई साहब, क्या क्या 20 से स्टार्ट किया, ध्यान से देखो, 20 से स्टार्ट किया 25 गए, और फिर 25 से स्टार्ट किया 30 गए, फिर 30 से 35, 35 से 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 60। अरे देख सकते हैं ना, 5-5 का गैप दिख रहा था, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। अब देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहां पे हमारा क्या बन रहा है, हमारा यहां पे बन रहा है अच्छा खासा, हाँ, बार बन रहा है, बार ग्राफ। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं, यहां पे हम लोग 1 ले सकते हैं, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, और यहां पे ले लेते हैं 6 ले लेते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हो, और यहां पे हम ले लेते हैं 7 ले लेते हैं। फिर कहा गया पहला बार ग्राफ गया है 4 की तरफ, तो ये हमारा 4 था, तो ये हमारा कुछ बार ग्राफ, चलो आप बना लेना अच्छे से बनाना, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा 4, ठीक है, आप अच्छे से बनाना, ठीक है, मेरा उल्टा सुलटा हो जा रहा है। और फिर ये देखो, ये है हमारा 5, तो 5 से गया कुछ यूं गया, 5 हुआ, फिर 6 गया है, तो 6 ऊपर है इसके, तो 6 ऐसे गया है, फिर 3 है, तो 3 भाई साहब यहाँ पे हैं, तो 3 कुछ ऐसे बनेगा, ये 3 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, और फिर क्या है, फिर 2 भाई साहब कहाँ है, 2 ये हैं, 2 ये हैं, फिर क्या आ गया, फिर 5 है, फिर 5 है, फिर यहाँ पे आ गया 5 ये हैं, तो ये गया भाई साहब, ये 5 बन के तैयार हो गया हमारा। तो यहाँ पे हमारा मेन मोटिव क्या था भाई साहब, ये सब बताने का, यहाँ पे सिर्फ एक ही मेन मोटिव था, वो आपको समझाना कि जो बादल जैसा कुछ है, नहीं बादल जैसा, ठीक है, उसमें जो चीज लिखी गई है उसको आपको समझाना, वही हमारा मेन मोटिव है। क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, ये सारे, अब देखो ध्यान सुनो, ये जो ये वाला पोर्शन है, ये चीज किसको बता रहा है, ये वाली चीज किसको बता रही है, बताए नंबर ऑफ टीचर, क्या बता रहा है, ये बता रहे हैं नंबर ऑफ टीचर्स को बता रहे हैं, कितने टीचर्स हैं, कितने अध्यापक हैं, ठीक है। और ये वाली लाइन बता रही है हमें एज, ठीक है, एज इन ईयर, उनकी उनकी कितनी आयु है, उनकी कितनी आयु है, टीचर्स की कितनी एज है वो बता रहे हैं। तो यहां पे उन्होंने क्या बताया कि 20 से 25 साल, क्या बोला, 20 से 25 साल के बीच में कितने टीचर्स हैं, नंबर ऑफ टीचर्स, वो चार टीचर हैं, 25 से 30 साल के जो उनकी एज है वो कितने हैं, 5, 30 से 35 6, 35 से 40 कितने, 3 लोग, फिर 40 से 45 से 2 लोग, और 45 से 50 50 साल के हो गए हैं भाई साहब टीचर, वो कितने, 5 लोग हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बता रहा है, अब देखो ध्यान से देखना, कुछ चीजें हमें बताने की कोशिश की गई है, कह रहा है क्या, आप देख सकते हो ऐसे कुछ एरो दिया गया है, कह रहा है बार्स ऑफ इक्वल वेथ विद नो गैप इन बिटवीन, कह रहा है ये जो बार्स हैं, ठीक है, ये जो बार्स हैं ये क्या है, ये ना ऑफ इक्वल है, क्या है, इक्वल विद नो गैप इन बिटवीन। तो ये चीज तो हमको पता ही है, इसका रीजन मैं बता चुका हूं, ड्यू टू देयर इज नो गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल। तो इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं, रीजन क्या था, वो था नो गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल। तो ये याद रखना, यही बहुत जरूरी है आपको याद रखना। फिर क्या है, फिर एक और अपना बादल बना है, बादल में क्या लिखा है, कह रहा है हाइट जो है, प्यारे बच्चों ध्यान से लिखो, पढ़ो इसको, कह रहा है हाइट ऑफ बार गिव्स द नंबर ऑफ डेटा आइटम्स स्पेलिंग आइटम्स डेटा आइटम्स in a particular group and is the frequency and is the free q and c। अब देखो प्यारे बच्चों, ये वाला जो हमारे पास, ये वाला जो बादल है, इसमें हमें जो इंफॉर्मेशन दे रही है, वो कह रहा है कि जो हाइट है ये क्या बता रही है, हाइट ऑफ द बार गिव्स द नंबर ऑफ डेटा आइटम्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो देख सकते हो ना, तो आप देखना जितने भी ग्रुप है, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप क्या, 20 से 25 ये ग्रुप हुआ, 25 से 30 से 40 ये ग्रुप, 35 से 40 ये ग्रुप,
40 से 45 ये ग्रुप, 45 से 50 ये एक ग्रुप है, ये सब क्या है ग्रुप। इनकी इंफॉर्मेशन देता है कौन, कौन भाई साहब दे रहे हैं, हमारे हाइट भाई साहब दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं वो लोग, वो बता रहे हैं नंबर ऑफ डेटा आइटम्स, वो नंबर ऑफ डेटा आइटम। और यहाँ पे डेटा आइटम्स क्या है, वो क्या है प्यारे बच्चों, ये देखो 4, 5, 6, 3, 2, 5, ठीक है। तो अब देखो यहां पे हमें ये सब क्या है, ये सब क्या है, सारी सारी फ्रीक्वेंसी है। आगे नंबर ऑफ क्या है, ये सब क्या है, नंबर ऑफ टीचर्स है, तो ये नंबर ऑफ आइटम्स हुए कि नहीं, आगे ना मजा करें, ठीक है। तो इन द सेंस अगर देखें तो हाँ, नंबर ऑफ आइटम्स है सर, ठीक है। तो नंबर ऑफ टीचर्स देखो, नंबर ऑफ टीचर्स, ठीक है, ये डेटा आइटम्स है। अब देखो एंड द फ्रीक्वेंसी, तो प्यारे बच्चों यही चीज हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी भी, हाइट हमारी चीज क्या बताती है, याद रखना फ्रीक्वेंसी बताती है, क्या बताती है, फ्रीक्वेंसी बताती है, हम बार बार पढ़ चुके हैं, बता भी रहे हैं आपको। अब देखो एक छोटी सी चीज और दी गई है, क्या कह रहा है, द रेंज इज डिवाइडेड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ 5 years इन दिस केस। तो आप देख ही सकते हो, यहां पर देख सकते हो एक और चीज यहां पर लिखी गई है, क्या लिखी गई है, द रेंज आगे क्या है, द रेंज इज divided in equal intervals of 5 years in this case। तो प्यारे बच्चों यहां पे क्या है, कुछ भी नहीं है, यहां पे ये चीज क्या बता रही, कह रहा है ध्यान से देखो, 5-5 साल का जो यहां पे गैप देख रहे हो, 20 से 25 का कितना का डिफरेंस हुआ, 5 का, फिर 25 से 30 कितना हुआ, 5 का, फिर 30 से 35 5 का, 35 से 40 5 का, 40 से 45 5 का, 45 से 50 5 का। तो ये क्या है, द रेंज इज डिवाइडेड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ 5 ईयर इन दिस केस। इस केस में आप देख सकते हो प्यारे बच्चों कि जो रेंज है, प्यारे बच्चों जो रेंज है वो कितने में डिवाइड हुई है, 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 साल में, ठीक है। तो ये चीज यहां पे बता रहा है। तो अगर आपसे कोई भी रेंज पूछे तो क्या करना, आप बस गैप देख लेना इनके बीच का और आप बता सकते हो, चलो ठीक है। अब एक और चीज बहुत ही प्यारी चीज यहां पर लिखी हुई है, आप इस चीज को समझने की कोशिश करना, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, इन सबको रब कर दिया मैंने, ठीक है। ये 20 लिखा था, लिख देता हूं मैं, ये 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, और ध्यान से आप देख लेना प्यारे बच्चों, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये 50, ठीक है, और ये जो आगे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहां पे प्यारे बच्चों ये जो चीज दी गई है, ठीक है, ये जैग्ड लाइन इसे कहा गया, क्या जैग्ड लाइन कहा गया, ठीक है, जिगजैग कह सकते हो, बट इसे जैग्ड लाइन यहां पे कहा गया। तो इसको क्या मतलब, इसका क्या यूज है, इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनो, इसमें क्या लिखा है, कह रहे हैं ये जैग्ड क्या है, जैग्ड लाइन है, इसे क्या कह रहे हैं, इसे जैग लाइन भी कह रहे हैं, साथ ही साथ प्यारे बच्चों हम लोग इसे ब्रोकन लाइन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रोकन लाइन भी कहते हैं। देखो हाँ लिखा हुआ हैज, देखो अब लिख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा हैज बीन यूज्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन टू इंडिकेट दैट वी आर नॉट शोइंग, हम लोग नहीं दिखा रहे, इस चीज पे अंडरलाइन कर लेना, वी आर नॉट शोइंग द नंबर, क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट शोइंग द नंबर बिटवीन 0 to 20। तो यहां पे याद रखना, अगर आप कभी भी जिगजैग लाइन बना देते हो और फिर आपको किसी भी वैल्यू से स्टार्ट करना है बार ग्राफ, तो आप क्या कर सकते हो, आप जैसे आपको 1000 से स्टार्ट करना है, 2000, 3, 4, 5, 6, 10,000 से स्टार्ट करना है, तो आप ये जिगजैग बना सकते हो, देखो कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज है, तो आप ऐसे से जिगजैग बना सकते हो, फिर यहां से स्टार्ट कर सकते हो, अपनी कोई भी वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हो। तो यहां पर ये जिगजैग लाइन भी कहता है, इसे जैग लाइन भी कहते हैं, इसे फिर क्या है, ब्रोकन लाइन भी कहते हैं, और हैज बीन यूज अलोंग विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, याद रखना इसको हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यूज करते हैं, ना कि वर्टिकल में, ठीक है। लाइन टू इंडिकेट, क्या दिखाने के लिए, दैट वी आर नॉट, इसको क्या करना, अब आप क्या कर रहे हैं, अंडरलाइन करना है, नॉट शोइंग द नंबर बिटवीन
जीरो टू टेन, इस केस में आप देख सकते हो कि जीरो से लेकर टेन की जितनी भी वैल्यूज है उसको शो यहां पे नहीं किया गया है, यहां से स्टार्ट सीधा सीधा किया गया है, ये चीज हमें बताने की कोशिश यहां पे की गई है। तो आप किसी भी वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हो, ये जिगजैग लाइन यहां पे दिखा के। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस तरीके के भी ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला जो है इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम ही कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम ही कहते हैं इस तरीके के ग्राफ को भी। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिंपल सिंपल नन्हे मुन्ने क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या है क्वेश्चन इसी ग्राफ से रिलेटेड, तो ये क्या था, ये नंबर ऑफ क्या थे, ये टीचर्स थे यहाँ पे और ये थी एज उनकी। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, ध्यान से कुछ नहीं है, बहुत सारे क्या है, हाउ मेनी टीचर्स आर ऑफ एज 45 ईयर्स और मोर बट लेस देन 50। कह रहा है 45 साल से कितने टीचर हैं जो कि 45 साल से बड़े हैं बट 50 साल से छोटे हैं, कम है। तो ध्यान से देखो, 45 इधर है 50 इधर है, 45 से बड़े 50 से कम। 45 कितने हैं, 5। कितने 45 से बड़े कितने हैं, 5। तो पहला का आंसर क्या होगा, आंसर नंबर फर्स्ट क्या हो गया प्यारे बच्चों हमारा, क्या हो गया, 5, ठीक है। अब दूसरा है हमारा प्यारे बच्चों, हाउ मेनी टीचर्स आर ऑफ लेस और ऑफ एज लेस देन 35। तो यहाँ पे 30 ये एजेस को ही बता रहा है, ये देखो ये वाली लाइन हमारी क्या बता रही है, एजेस को। तो एजेस क्या है, 35 ये है। अब 35 से लेस कम कितने लोग हैं, तो ध्यान से देखो 35 ये कम कितने हैं, कम कितने हैं, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 5 9 और 9 6 15, ठीक है। तो 15 आंसर नंबर, आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर टू का आंसर क्या हो गया, 15 लोग हैं। 15 ऐसे टीचर हैं जिनकी एज क्या है, 35 साल से कम है। ये आंसर हो गया सेकंड का, ठीक है। तो ये फिगर 5.2 जो हम लोग बना के रखे हैं उसका ये हमारा क्या है, आंसर है। तो कुछ भी नहीं था प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने हिस्टोग्राम को पढ़ा समझा, क्या होता है हिस्टोग्राम, बस आपको याद क्या करना है इन सब में, ठीक है। अच्छे से मैं बताता हूं और थोड़ी थोड़ी चीजें जो कि आपको याद रखनी जरूरी है। हिस्टोग्राम पे आप हमेशा एक चीज याद रखेंगे, हिस्टोग्राम में यह क्या रहता है कि हिस्टोग्राम का जो ग्राफ बनता है वहां पे हमेशा आपको क्लास इंटरवल देखने को मिलेगा, क्लास इंटरवल। अगर आपसे कभी भी एक कॉमन क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि बताओ प्यारे बच्चों कि हिस्टोग्राम में क्लास इंटरवल या फिर बार ग्राफ के बीच में गैप क्यों नहीं होता, तो आंसर क्या करना है कि क्लास इंटरवल में कोई गैप नहीं होता, नो गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। अब याद रखना जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं बार ग्राफ की सब यहां पे देखी जा सकती है। वो क्या है, अब वो वाला गैप वाली नहीं देखी जाएगी, वो क्या है जो वेथ होता है प्यारे बच्चों, ये जो वेथ होती है, मोटाई होती है, वेथ जो होती है वो सबकी क्या होती है, सबकी सेम होती है। हाइट क्या बताती है, फ्रीक्वेंसी बताती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहां पे देख सकते हैं और कुछ स्पेशल स्पेशल चीज थी जो कि ये वाली देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अच्छे से पढ़ी, इसको क्या कहते हैं, जैग लाइन कहते हैं और ब्रोकन लाइन कहते हैं, याद रखना आपके बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्यारे बच्चों हर एक चीज, अगर मुझे लगता है अगर बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया हुआ, तो प्यारे बच्चों आप क्या करो, ग्रुप डेटा अच्छे से देख के आओ यहां पे, तब आपको और ज्यादा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो क्योंकि आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की क्या क्या चीजें होती है हिस्टोग्राम में, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखें, बहुत सारी चीजें देखेंगे, तो डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ देखा जाएगा, हर एक चीज हम लोग सीरियल वाइज एनसीईआरटी को पूरा कवर करेंगे, देखेंगे। तो टेंशन मत लो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक क्या करना, अपना ध्यान रखना और अगर ना समझना तो पिछली वीडियोस देख लेना क्योंकि उससे रिलेटेड टर्म्स मैंने यूज किए हैं, बहुत सारी चीजें जैसे क्लास इंटरवल क्या होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सारी चीजें जितनी भी हैं सारी चीजें हम लोगों ने पिछली वीडियोस में कवर कर ली है, ठीक है। तो ना समझना तो देख लेना, ठीक है, हां कि ना। तो हिस्टोग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है, अब क्या करना है आपको, अपना ध्यान रखना है और ये ना समझ में आया तो इसको एक बार रिवाइज करना मत भूलना। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना मत भूलना, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।